हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आप भी कुछ इस तरह का न्यू स्टाइलिश स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड, और आप भी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको मोबाइल में काइंड में स्ट्राइप होना जरूरी है। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइंड में स्ट्राइप ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, अपने मोबाइल का काइंड में स्ट्राइप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ से 9:16 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से यहाँ सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ एडिटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फेल स्क्रीन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से 0.5 कर देना है, यहाँ पे ले आ देना है। और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में आपको जाना है मीडिया के ऑप्शन में और इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से है। और फ्रेंड, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और फ्रेंड, इसको कुछ इस तरह से 3 सेकंड तक ले आ देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है और फिर से इस पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह से कट करके ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड, आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन में जाना है और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको 9 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे नीचे आके हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और फ्रेंड, यहाँ पे हम 9 फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। और उसके बाद में फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से फोटो को जूम करना है कुछ इस तरह से दोनों उंगलियों से टच करके। और उसके बाद में आपको यहाँ फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद में फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से इन एनिमेशन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे गेट मोड पे क्लिक करना है। और उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे फर्स्ट वाला में कुछ इस तरह से। और उसके बाद में फ्रेंड, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है और मोबाइल का नेट थोड़ा स्लो है। और यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पर। और उसके बाद में इसको बैक ले लेना है। और फ्रेंड, यहाँ पे गुड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको भी यूज करना है तो इसको भी हम बता देते हैं कुछ इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में हम इस इफेक्ट को हम ऐड करेंगे, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड, इसको बैक ले लेना है। और उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से 7 नंबर पर आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद में दूसरा फोटो पे क्लिक करना है और फिर से क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसी तरह से इन एनिमेशन वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ सबको 9 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से 3 नंबर फोटो पर क्लिक करके और इसमें भी इन एनिमेशन को ऐड करना है तो इस पर क्लिक करके और इसमें आपको 7 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद में फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से 3 फोटो में ऐड हो गया। और उसके बाद में फ्रेंड, आपको 3 फोटो में दूसरा क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको फिर से आपको यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन पे यानी 1 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है 3 नंबर के बाद में। और उसके बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पहले बताएं हम इस गुड वाले ऑप्शन को कैसे डाउनलोड करना है, उस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इसमें आपको 2nd नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको इसमें कुछ इस तरह से इसमें 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है इस 3 फोटो में और इसमें भी उस 2 नंबर को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद में आपको फिर से आपको इस फोटो पे क्लिक करना है और इसमें भी आपको गुड वाले ऑप्शन को 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और फ्रेंड, वहाँ पे 3 फोटो में ऐड कर लेने क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर देने के बाद में यहाँ पे 3 फोटो बच गए थे। यहाँ पे आपको इस फोटो पे क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपको इन एनिमेशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से फिर से 7 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे फिर से इन एनिमेशन के ऑप्शन में आ जाना है और इसमें आपको 9 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से इसमें आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे 7 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको बीच वाले 3 फोटो पे आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड, इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड, आपको इस फोटो पर क्लिक करके इसको भी छोटा कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, इस फोटो को भी क्लिक करके इसको भी छोटा कर देना है। और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद आपको जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में और इस इफेक्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे है कुछ इस तरह से, इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड, कुछ इस तरह से इसका लेयर यहाँ तक तो हो ही गया है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है। और उसके बाद में आपको शुरू से आ जाना है और इस पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आ देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से यहाँ से। और उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे
थोड़ा सा और इसको बढ़ा देना है, और उसके बाद हमको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और इस लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से यहाँ पे है। और उसके बाद फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में करके ओके कर देना है, और फिर से फ्रेंड आप इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीन करके ओके कर देना है। और फ्रेंड अब इस सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करके ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाना है शुरू से, और जाना है आपको लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में, और इस बॉर्डर पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से यहाँ पे है इसको सेलेक्ट करके और इसको फुल स्क्रीन में करके ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड इसका लेयर कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और फ्रेंड हमारा वीडियो रेडी हो गया था। चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम प्ले करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हुआ है, और फ्रेंड इसमें आप सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से कोई भी आपको सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। आप अपने मोबाइल में जो भी सॉन्ग रखेंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और हम यहाँ से इस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ से ओके कर देते हैं, और उसके बाद फ्रेंड इस वीडियो को हम सेव कर देते हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है, और फ्रेंड ये वीडियो सेव होने लगेगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से स्टेटस वीडियो बना सकते हैं न्यू स्टाइलिज। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं और नए वीडियो के साथ।